ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोवाल। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के केसेस में फिर से बढ़ोतरी हो रही है, तो हम उसको लेकर दिल्ली वासियों से बात करेंगे कि क्या कम हो रहा है दिल्ली में कोरोना का डर। तो ये चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। दिल्ली में कोरोना का डर खत्म हो चुका है? नहीं, अभी कभी खत्म तो हुआ नहीं, पर जानलेवा खत्म हो गया। अभी कोई मर नहीं रहा, पर बीमार जरूर हो रहे लोग। बाग जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्या उनको लगता है कि कोरोना का डर खत्म हो चुका है? आप भी एक शॉप ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी अगर मैं बगैर मास्क में खड़ा हूँ तो मैं अंदर था, मैं अगर मेरे सामने कोई आ गया तो मैं जरूर पहन लेता हूँ, अपने पास ही रख रखा हूँ। अच्छा, ये देखो, ये मैं रख रखा हूँ। मैं आप एक चाय की दुकान चलाते हैं, तो जो लोग बिना मास्क के आते हैं, आप उनको कुछ कहते हैं? उनको बोल देते हैं भाई मास्क पहन लो। अगर मैं उसके अंदर नहीं जाने देता हूँ, मैं अपना उधर बैठ जाता हूँ, इधर ही खड़ा होते हैं ये। अगर बिना मास्क के अगर होते हैं तो भैया मास्क पहन लो, हम उसको मास्क पहना देते हैं, हम उसको बोल देते हैं। हालांकि वो रखते हैं, ऑलरेडी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी अगर जरूरत अगर निकाल देते तो पहन लेते हैं वो। बगैर मास्क का तो हमारा दुकान भी आता नहीं है, किसे भी पता कर लो, उनके पास होते हैं, जरूर होते हैं इनके पास, बगैर मास्क कोई निकलता नहीं है। सर, आपको क्या लगता है दिल्ली में कोरोना का डर खत्म हो रहा है? नहीं, खत्म तो नहीं है मैडम, अभी थोड़ा बढ़ते जा रहा है, फिर भी ठीक है, इतना वो नहीं है, ठीक है। लेकिन रिक्शा में हमारा काम धाम भी नहीं है, वैसे खाली बैठे हैं, क्या करें। बस लेडीज़ों का फ्री कर दिया, सारे फ्री जा रहे हैं, हम काम धाम नहीं है, खाली रिक्शा खड़ी है, वो खड़ी है हमारी, बस बैठे हुए ऐसे ही, क्या करें। आपने देखा कि लोग तो यही कह रहे हैं कि कोरोना के डर से रिक्शा चालक बिल्कुल बंद हो गए, जो उनका काम है बिल्कुल। हमारे संग दूसरे जुड़े हैं। सर, आपको क्या लगता है कोरोना के डर से आपका काम बिल्कुल ठप हो चुका है? हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल काम ठप हो गया, काम है ही नहीं, खाली बैठे हैं, क्या करें। सर, आपके रिक्शे में जो भी लोग बिना मास्क के आते हैं, आप उनको बैठने देते हैं? नहीं, बिना मास्क तो बैठने नहीं देते, मास्क लगवा के उनको बिठाते हैं। एक रिक्शे में कितनी सवारियाँ लेकर जाते हैं? अब देखो, दो तो अलाउड कर रखे, लेकिन चार तो ले, फिर कमाई कहाँ से होगी, अपना रोजी रोटी भी तो चलानी है। तीन मिल जाते हैं, चार मिल जाते हैं, दो मिलते हैं, जो भी आएगा। चलो, सर, आपको क्या लगता है दिल्ली वासियों के अंदर से कोरोना का डर खत्म हो चुका है? नहीं, किसी हद तक तो लग रहा है खत्म हो चुका है, किसी हद तक। वो जैसे यहाँ देख रहे हैं, भीड़ भाड़ कोई वो नहीं है, मास्क वगैरह लोग इतना नहीं पहन रहे, खुला घूम रहे हैं। आप देखो, वीडियो दिखाओ, इधर देखो, बिना उसके मास्क के जा रहे हैं, ये चीज़ है। डर नहीं है इतना, मतलब, लेकिन केस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, आप ये देखो, केस बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी डर नहीं है, सब घूम रहे हैं, देखो बिना मास्क के घूम रहे हैं। कितने लोग मतलब कि बिना मास्क के घूमते हैं? बिना मास्क के घूमते हैं, अभी ये है, अब तो दिन के समय जो होता है, मतलब डर है, वो अपना सेफ्टी लेके चलते हैं, और जिनके पास डर नहीं है वो अपना सेफ्टी नहीं लेते, मतलब बिना मास्क के ऐसे घूमते रहते हैं। आपकी जिस तरह से एक दुकान है, तो आप किस किस सावधानियाँ बरतते हैं? मतलब मेरे पास सैनिटाइजर है और मास्क लगा रखता हूँ, और बाकी तो सैनिटाइजर है, जब मैं अप एंड डाउन करता हूँ तो सैनिटाइजर कर लेता हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। दिल्ली में आधे से ज़्यादा लोग बिना मास्क के घूम रहे, तो सर आपको क्या लगता है दिल्ली में दिल्ली वासियों के अंदर कोरोना का जो डर है खत्म हो चुका है? उन्होंने अपना आप ख़त्म कर रखा है, कोरोना का डर तो है, तो वो है ही है, इसलिए मेरे ख्याल से सबको मास्क लगा के रखना चाहिए। जो भी ये मास्क लगा के नहीं चलते हैं, वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए ये मेरी बेनती है कि कृपया मास्क लगा के रखें सब लोग। आपको क्या लगता है दिल्ली में कोरोना का डर खत्म हो चुका है? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लगता, कोरोना तो अभी इतना बढ़ रहा है कि पेशेंट डर के मारे घर से निकलना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो आप जो घर से बाहर निकल रहे हो अभी बिना मास्क के, सर मैम उनका क्या, उनके अंदर से क्या आपको लगता है डर खत्म हो चुका है? वो गलत फहमी, अपने लिए कोरोना अपने लिए बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए नहीं बढ़ा रहे, सेफ्टी करेंगे तो अपने लिए, नहीं तो नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। उनकी सोच है कि मास्क लगाएं नहीं लगाएं, उनको डर है तो अपना लगाएंगे मास्क। जिस तरह से आपने देखा लोगों का, तो यही कहना है कि हमारे अंदर से अभी भी कोरोना का डर नहीं निकला, और वही दूसरी तरफ आपने देखा कि लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली कोरोना के डर से मुक्त हो पाएगी। कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी।